हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो भाई आप सभी लोग? और भाई वेलकम टू माय व्लॉग। और भाई आज थोड़ा सा काम है मशीन में, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जो मेंटेनेंस का काम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी आ गया है। ठीक है, तो भाई एक प्रॉब्लम आ गई थी मशीन में। भाई प्रॉब्लम ये आ गई कि ये देखो, जो इसकी टर्बो वाली वो है ना, ये मैंने हटा दिया भाई। भाई इसकी ये जो होस पाइप है ना टर्बो वाली, ये देखो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये फट गई यहाँ से। ठीक है, और एक ये जो ये वाली पाइप होती है ना, ये एक्चुएटर वाली जो पाइप होती है टर्बो वाली ही, ये फट गई यहाँ से। छोटी वाली जो पाइप होती है, ये वाली जो पाइप होती है ना टर्बो की, ये छोटी जो एक्चुएटर की पाइप होती है, एक तो ये फट गई, और एक वो ये होस पाइप फट रही है। ठीक है, ये काम है। और भाई एक और काम है, जो इसके गियर बॉक्स के जो फाउंडेशन के बोल्ट है ना, ये टूट गए थे इसके अंदर, ये इंजन वाले जो होते हैं ना गियर बॉक्स के, यहाँ पे ये टूटे हुए हैं इसके अंदर, तो ये वेल्ड होके बाहर आएंगे। ये वाले बोल्ट थे भाई, वो जो टूटे हुए हैं ना, ऐसे बोल्ट है वो, छोटे ऐसे बोल्ट हैं। ठीक है, ये टूट गए उसके अंदर ही, इंजन के अंदर ही, तो वो ये फिर है ना, ये वेल्डिंग होएगी यहाँ से और फिर ये बाहर आएंगे बोल्ट इसके। ठीक है, और भाई इसकी जो ये होज पाइप है ना, ये काट के यहीं से और फिर इसको आगे डालूंगा, और फिर इसके अंदर एक क्लैंप आएगा। और एक ये जो छोटी वाली पाइप है ना, ये तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे डालनी, इसकी वजह से टर्बो में है ना प्रॉब्लम आ रही थी बहुत ज़्यादा। ठीक, तो भाई बस ये काम था, अब इसके अंदर कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है, जो फाउंडेशन का जो काम है ना, ये तो बहुत जरूरी, इसकी वजह से है ना, ये देखो यहाँ पे ये टच हो रही थी इसके अंदर, ये पंखा है ना जो फैन है जो इसका, ये यहाँ पे टच हो रहा था इसके अंदर, ये हाउसिंग के अंदर, ये इंजन टेढ़ा हो गया था बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो भाई बस ये काम था, अब मिलता हूँ आपको कल। ठीक है, इसकी जो वेल्डिंग वेल्डिंग होगी ना, वो मैं आपको बताऊँगा कल कैसे के काट देंगे इसके बोल्ट को। ठीक है, और भाई आज तो बस यही वो हुआ काम, कल मिलते हैं आपको बढ़िया ब्लॉग के साथ।